आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, वो बहुत ही मज़ेदार है, बनाने में भी मज़ा आता है और यकीन कीजिए इतने जायके में लाजवाब होती है ना कि एक बार बनाएंगे आप बार बार बनाएंगे। इंस्टेंट एंड क्विक किस्म के डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि काइंड ऑफ जलेबी के ही तरह है, बहुत ही मज़ेदार होती है, ऊपर से क्रिस्पी होती है, अंदर से जूसी होती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली आसान तरीन वीडियो रेसिपी आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पे मैंने जो है आधा कप सूजी ले लिया, बारीक सूजी ली है, और आधा कप मैदा ले लिया है। तो क्वान्टिटी आपने इतनी ही रखनी है, और सूजी अगर आपकी दानेदार है, मोटी है, तो आपने ग्राइंडर में डाल के एक दफ़ा उसको पीस लेना है। 1/4 कप यहाँ पे दही लिया है, फ्रेश योगर्ट लिया है, खट्टा नहीं लेना जैसे आपने, और इसके साथ ही 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। सरसों का तेल आपने नहीं डालना तो उसकी स्मेल आ जाएगी। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा आप लोग जो है ना ये मरिंग कप्स और स्पून्स लेके रख लीजिए मार्केट से, बहुत जो है वो इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने में ना आसानी रहती है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया था। बेकिंग सोडा नहीं डालना आपने, बेकिंग पाउडर इसमें डालना है, और वो डालने के बाद आपने अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर आपका जो है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, इस वजह से वो रेसिपी में काम नहीं करता है, या फिर आपने उसको गर्म जगह पे अगर रखा हुआ है तब भी वो काम नहीं करेगा। अब साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आपने अभी 1/4 कप ही डालना है, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, कवर करके रख देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरह की इसकी जो है शक्ल हो जाएगी, और उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। साथ ही मीनवाइल हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। खुले मुंह के मैंने कढ़ाई ली है, 1 कप मैंने भर के पानी डाल दिया है, 1 कप चीनी डालनी है। शीरा आप जब भी बनाते हैं ना किसी भी रेसिपी के लिए, उसको खुले मुँह के बर्तन में बनाया कीजिए। साथ ही मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया था, 2 से 3 ड्रॉप्स, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून इसमें लेमन जूस डाला था। लेमन जूस डालने से ये होता है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती इसमें शीरे में। 2 से 3 उबाल देना है, उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। कोई हमने इसको एक तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। तो यहाँ पे जो है वो 2 से 3 उबाल आए थे और फ्लेम ऑफ कर दिया था। 5 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट दिए हुए। तो अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है पानी मज़ीद ऐड करना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने ऐड करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है। तो पानी आपने जितना मैंने आपको बताया उतना ही इसमें ऐड करना है, तभी आपके जो है ना वो शेप परफेक्ट बनेगी। ये देखिए इस तरह से जब मैं इसको उठाऊँगी ना विस्कर से, तो ये इस तरह ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया था और स्टार नोज़ल ले ली थी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक की कोई भी आप थैली ले सकते हैं, उसमें आगे से आप सुराख कर लें कट करके, और उसके बाद आप ये जो है मिक्सर डाल के भी बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो पानी की छोटी बॉटल ले लें, उसमें कैप में आप सुराख कर लें, उससे भी आप बना सकते हैं ईज़िली। जो आपको बेहतर लगे हो और आपके पास जो है वो मौजूद हो तो आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कप में रख लिया था, और इसमें आधा जो है ना हमने बैटर डाल देना है। एकदम से आपने सारा नहीं भरना, इस तरह से जो है ना आपके लिए जो है वो सही शेप उसमें नहीं बनेगी जब आप इसको पैन में डालेंगे। यहाँ पे पैन में मैंने 1/2 पैन जो है वो ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, और इस तरह से ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 से 3 रिंग बना के आपने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। जब तक आप इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड नहीं करेंगे ना, तो ये फ्राई होते हुए खुलना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो आपको जो है वो आसानी से आप इसको जो है इस तरह से कर लेंगे। और फ्लेम आपने इसमें डालते हुए स्लो रखना है, जब आप इसको इस तरह से डाल देंगे उसके बाद आपने मीडियम कर देना है, मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। ये देखिए आपके सामने मैं जो है 1 बाय 1 इस तरह से बना रही हूँ, 2 से 3 रिंग्स बना के इसको अंदर से फोल्ड कर देना है। ईज़िली तभी बनेंगे ये जब आपका बैटर जो है ना परफेक्ट उसमें कंडीशन में होगा। तो जितना पानी मैंने आपको बताया उतना ही डालना है। यहाँ पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना जब इन पे, तो इनको साथ साथ हमने शीरे में डालते जाना है। शीरा आपका बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल जो है इसका टेम्परेचर हो। तो यहाँ पर अगर ठंडा होगा तो इसके अंदर जज्ब नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो ये टूट जाएंगी। 5 मिनट के लिए इसको शीरे में डिप रखना है। इस तरह से मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया था। बनाने में और देखने में जिस तरह से ये रेसिपी मज़े की लग रही है, खाने में उतनी लाजवाब और कमाल की होती है। अभी तो आप सिर्फ देख सक रहे हैं ना, मैं तो इसको बनाती हूँ और मैंने इसको खाया है तो बहुत ही मज़ेदार होती है। घर में सभी इसको बहुत पसंद करते हैं।
ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना जूसी सी होती है। तो आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने जो है इसके ऊपर खोपरा डाल दिया था, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स जो है वो इस पर गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक और शेयर करना बनता है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ जो है शेयर करती रहूँगी। और रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे फीडबैक से भी आगाह कीजिए। इस रेसिपी को अगर बनाने में आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, टाइमली रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूँगी। तो जल्दी मिलूँगी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।